जयपुर शहर भाजपा प्रत्याशी रामचरण बोहरा ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। नामांकन से पहले बोहरा के प्रधान चुनाव प्रधान कार्यालय के बाहर आम सभा की गई। सभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, जयपुर शहर अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता सहित जयपुर शहर के विधायक और प्रत्याशी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजे ने कांग्रेस के अब होगा न्याय के नारे पर निशाना साधते हुए कहा कि 55 साल तक कांग्रेस ने न्याय क्यों नहीं किया। राहुल गांधी 72,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के कर्ज माफी और बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन ना कर्ज माफ हुआ और ना ही बेरोजगारों को भत्ता मिला। नामांकन पत्र भरा है। आज के दिन प्रधान कार्यालय का उद्घाटन माननीय वसुंधरा राजे जी ने किया है, जिस तरह कार्यकर्ताओं में जोश और जब 21 तारीख को मेरे नाम की घोषणा, कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मेरे पर विश्वास व्यक्त किया, हमारे प्रदेश के सभी नेताओं ने जिस तरह मुझे आशीर्वाद देकर विश्वास व्यक्त किया, जिनका लगातार 5 वर्षों से सबका साथ सबका विकास हमारे माननीय प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मैंने 5 वर्ष तक जयपुर की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं रखी है। आप लोगों ने मालूम नहीं देखा कि नहीं, आजकल ये लंबे चौड़े पोस्टर्स लगते हैं। एक पोस्टर था, उसमें जिस पोस्टर के ऊपर कहते हैं कल गरीबी पे वार करेंगे हम, और 72,000 रुपया हम गरीबों को देने का काम करेंगे और तभी होगा न्याय। मैं खाली ये पूछना चाहती हूँ कि 55 साल से क्या कर रहे थे, राज तो इन्हीं का था, आज उनको न्याय याद आ रहा है, तो ये 55 साल से अभी तक क्या कर